हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, यहाँ पर अगर आपको हवा की आवाज़ आ रही है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं यहाँ पर आउटडोर में शूट कर रहा हूँ तो आज हवा जो है वो काफ़ी तेज़ है। तो हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ Asus ROG Phone 5 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये स्मार्टफोन आपको अगले 1-2 महीने में इंडिया में ऑफिशियली देखने को मिलेगा। बहुत ही तगड़ा स्मार्टफोन होने वाला है। क्या क्या चीज़ें आपको इसमें मिलेगी, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। वीडियो पूरा एंड तक देखना, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना ताकि आपको मेरे चैनल पर ऐसे और वीडियोस मिलते रहे। तो ज़्यादा टाइम मैं आपको वेस्ट नहीं करूँगा, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में Asus ROG Phone 5 जो होगा वो Asus ROG Phone 4 से जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आपको इसमें और ज़्यादा गेमिंग की बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस मिलेगी और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें जो है चेंजेस होने वाली है। तो सबसे पहली बात, इसमें आपको जो चिपसेट मिलेगा वो होगा स्नैपड्रैगन 888 का। जी हाँ दोस्तों, ये चिपसेट बिल्कुल नया है और काफ़ी पावरफुल चिपसेट है। यानी कि जो चिपसेट होगा वो गेमिंग में तो बहुत ही कमाल का होने वाला है। इसके अलावा आपके जो रेगुलर काम होंगे, जो भी आप करेंगे स्मार्टफोन में, यानी कि नॉर्मली जब भी आप कोई काम करते हो, जैसे कि आप ऐप ओपन क्लोज करते हो, इसके अलावा जो भी ऐप्स आप यूज़ करते हो, साथ में जो भी सारी चीज़ें आप करते हो, तो ये सारी चीज़ें भी आपको स्मूथ देखने को मिलेगी स्मार्टफोन में। इसके अलावा ये स्मार्टफोन आपको मिलेगा 2 वेरियंट में, 8GB रैम, 128GB स्टोरेज और साथ में 12GB रैम का भी आपको एक वेरियंट मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो 2 वेरियंट में आपको मिलेगा। साथ में जो डिस्प्ले होगा वो आपको यहाँ पर एमोलेड का या फिर LCD का, इन दोनों में से किसी एक मिल सकता है क्योंकि ये अभी कुछ कंफर्म नहीं है। तो हाँ, आपको डिस्प्ले कमाल का तो ये मिलेगा ही मिलेगा, ये कंफर्म्ड है, लेकिन कौन सी क्वालिटी का होगा ये कुछ कंफर्म नहीं है। इसके अलावा इसमें आपको 6000 mAh की बैटरी मिलने वाली है, तो बैटरी ऑब्वियसली ज़्यादा चाहिए ही चाहिए क्योंकि एक गेमिंग स्मार्टफोन है। और पीछे की तरफ से आपको जो मेन सेंसर मिलेगा वो होगा 48 MP का, तो ये जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल कन्फर्म्ड है 100%। और सामने की तरफ आपको एक सेल्फी भी मिलेगी। तो इस बार Asus ROG Phone 5 जो आएगा वो बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा और आप जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा, यानी कि जो आप पहले गेमिंग करते थे Asus ROG Phone 4, 3, 2 में, इससे ज़्यादा बेहतरीन गेमिंग आप कर पाएंगे स्मार्टफोन में। और ये ऑब्वियसली बेहतरीन स्मार्टफोन होगा। तो मुझे लगता है कि ये स्मार्टफोन आपको अगले 1-2 महीने में इंडिया में देखने को मिलेगा। और प्राइसिंग की बात करते तो जहाँ तक मुझे लगता है इसकी प्राइसिंग आपको अराउंड 30-40,000 के बीच में देखने को मिलेगी, क्योंकि हमेशा ही इनकी प्राइसिंग इतनी प्राइस रेंज के बीच में ही होती है। तो तगड़ा स्मार्टफोन होने वाला है, देखते हैं कब तक लॉन्च होता है। लेकिन हाँ, ये जो चीज़ें मैंने बताई है वो बिल्कुल कन्फर्म्ड है और टीना सर्टिफिकेशन पर ये लिस्ट होकर आ चुका है। और आपने इमेज भी देखी होगी इस वीडियो में, तो आपको पता चल गया होगा कि ये किस तरह का स्मार्टफोन होने वाला है। तो देखते हैं कब तक आता है, क्या इसकी यानी कि क्या और चेंजेस लाता है और साथ में क्या इसकी प्राइसिंग होती है। तो सारी डिटेल्स मैं आपको एक और वीडियो में भी बताऊँगा जब तक ये लॉन्च होगा। तो हाँ, आपको क्या जानकारी और पता है वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ में अगर आपको कुछ और वीडियोस टॉपिक पर चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स आपके लिए बिल्कुल खुला है, जो भी आप चाहे वो कमेंट करना। पसंद आए तो लाइक करना, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक ज़रूर से कर सकते हैं। और नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, और आप ऐसे और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके जाना। तो मैं आपको मिलता हूँ एक और नए फ्रेश वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय गाइस।